गर्मियों में हमारे सारे मनपसंद फलों की भरमार लग जाती है। इन्हीं में से एक है आम। तो हमारी आज की रेसिपी इन्हीं आमों से जुड़ी है। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसजी फूड वर्ल्ड में। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए आम की चटनी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी पसंद आए। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली बाकी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो चलिए बनाते हैं चटपटी खट्टी मीठी आम की चटनी। चटनी बनाने के लिए आपको लेने हैं 1 किलो कच्चे आम, और इन कच्चे आमों को अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद आम को छील के कद्दूकस कर लें, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे एक आम के मोटे टुकड़े काट के डाल रही हूँ। ऑप्शनल है ये, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो सारे आमों को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। अब एक कढ़ाई लें और उसमें कद्दूकस किए हुए आम डालें, साथ ही डालें 1.5 कप चीनी यानी कि 300 ग्राम। अगर आप इस चटनी को ज़्यादा खट्टी बनाना चाहते हैं तो 200 ग्राम चीनी ही डालें। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम तेज पर ही रखनी है जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। स्टर करते रहेंगे बीच बीच में। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे चीनी घुल गई है और बॉईल भी आना शुरू हो गया है। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तीन मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद आप इसमें ऐड कीजिए 1/2 टीस्पून बारीक सौंफ। मोटी सौंफ मत लीजिएगा, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च कलर के लिए, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे जब तक कि ये चटनी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। चटनी में आप 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी डाल सकते हैं, इससे चटनी का स्वाद और बढ़ जाएगा पर चटनी का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। बीच बीच में हिलाते रहिए ताकि चटनी जले ना। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है। बस अब इससे ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी और गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम बंद कर देंगे और चटनी को ठंडा होने देंगे। जब ये चटनी थोड़ी ठंडी हो जाए यानी कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे सर्व करें किसी भी सब्जी के साथ या फिर दाल या पराठा। ये चटनी उतनी ही लाजवाब लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और शेयर कीजिएगा मेरे साथ सजेशंस एंड कमेंट्स। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।